गुड आफ्टरनून, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो के नए वीडियो में, नए एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आप सबको रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब लोग जो के हाई चाप करके हंसी भी खींच रहे होंगे, बच्चा लोग तो स्पेशली, और खींचने के साथ साथ आप लोग पापड़ बादाम जरूर खाया होंगे। पर अगर कोई हमको थोड़ा शेयर कर देता तो अच्छा लगता। चलो बड़े हो तो चलिए आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपने स्किन को डे टू डे पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, हेल्दी ग्लोइंग स्किन किसे नहीं पसंद। जैसा कि हम सबको पता है कि आप चाहे जितना मेकअप मार के अच्छा बीबी या अच्छा बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या फाउंडेशन वगैरह लगा के या कोई अच्छा सनस्क्रीन वगैरह लगा के आप निकल देते हो, लेकिन क्या होता है थोड़ी देर धूप के नीचे रहने से ही रस्ते की धूल मिट्टी, गाड़ियों के पॉल्यूशन और तेज धूप, तीनों कंबाइनली, ये तीन दुश्मन कंबाइनली मिल के आपकी सुंदर सी मेकअप शक्ल को खराब कर देते हैं। अब क्या क्या करने से आप इस पोल्यूशन से घर जाके भी खुद को गेट रिड कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको देने वाले हैं। लेकिन तो इन सब को अच्छे से जानने के लिए वीडियो को आपको पहले से एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, और देखने के बाद अगर टिप्स अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। बेसिकली क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से जो समस्याएं सबसे ज्यादा हमारे स्किन त्वचा के ऊपर आती है, दोज आर जैसे क्लॉग हुआ स्किन पोर्स, फिर पिंपल्स, एक्नेस, व्हाइट मार्क्स, ब्लैक मार्क्स, स्पॉट्स, सनबर्न, टैन, ऐसे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप रेगुलरली कुछ चीजें अगर मेंटेन करती हैं तो ऑब्वियसली आपको स्किन प्रॉब्लम से या आपके मतलब फेशियल को, आप फेस टोन को, स्किन को आप टैन से भी बचा सकती हैं, पॉल्यूशन के इल इफेक्ट से भी बचा सकती हैं। जैसे कि एक बात तो जरूर बोलूंगी, हाइड्रेट योर स्किन, ज्यादा से ज्यादा करके पानी पीजिए, पानी ज्यादा करके फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाया कीजिए, क्योंकि इनमें बहुत सारा पानी होता है एंड वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर बैलेंसिंग योर स्किन वाटर लेवल, और जितना वाटर लेवल मॉइस्चर लेवल बैलेंस रहता है उतना स्किन अंदर से ग्लो होता है। सेकंड थिंग दैट इज रेगुलर क्लींस कीजिए, टू टाइम्स कंपल्सरी आपको क्लींस करना है, मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग, मतलब निकलते वक्त और लौटते वक्त दोनों टाइम क्लींसिंग टोनिंग मस्ट 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 है, इसको बिल्कुल मत भूलिए। तीसरा तो बोलेंगे हेल्दी खाओ, जितना आप हेल्दी खाओगे उतना आपकी हेल्दी स्किन आपको मिलेगी, हेल्दी हेल्थ आपको नसीब होगी। इसके अलावा थर्डली बोलेंगे कि हफ्ते में एक बार या दो बार अच्छे होममेड स्क्रब्स यूज कीजिए। जैसे कि मान लो मैं आपको एक जो स्क्रब जैसे बताती हूँ, आप वॉलनट पाउडर उसके साथ हनी और दूध इनको मिलाकर एक ठो ड्राई पेस्ट बनाकर आप उसको एक अच्छा बढ़िया स्क्रब के हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं, या नहीं तो आप ऑलिव ऑयल के साथ चीनी को मिलाकर भी एक अच्छा स्क्रब साबुन के जगह इस्तेमाल कर सकती हैं। नहीं तो मार्केट में बढ़िया क्वालिटी के स्क्रब्स जो अवेलेबल रहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनी पाउडर, बेसन, मक्के का चना का आटा, तो ये सब बहुत अच्छे स्क्रब के हिसाब से माने जाते हैं और इनको आप आसानी से आप कर भी सकते हो बहुत ही जल्दी। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी मैंने आपसे कुछ टिप्स आप सबको दिए थे कि कैसे स्किन को जल्दी आप क्लीन करेंगे, स्क्रब करेंगे, तो अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन करती हैं तो आपका स्किन हमेशा ग्लोइंग रहता है और बाहर में फैले पॉल्यूशन सन टैन से भी आप खुद को बचा पाते हैं। तो ये तो गया प्रोसेस के कैसे आप उसकी को ठीक रखेंगे। इसके अलावा ऑब्वियसली बोल दूं कि आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना, सनब्लॉक इस्तेमाल जरूर कीजिए, ज्यादा धूप हो, धूप कड़ी हो, ज्यादा देर आपको बाहर रहना पड़े तो दो घंटे के गैप में सनस्क्रीन जरूर लगाया कीजिए। इसके अलावा बोलेंगे अगर आप अंदर में हैं, क्लींस किए, स्क्रब किए, सब किए,
किए लेकिन आप स्किन को मॉइस्चराइज नहीं किए, ये काम बिल्कुल मत करना। टोनर के साथ साथ ही मॉइस्चराइजिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके स्किन की क्वालिटी के ऊपर बेस करके मॉइस्चराइजर खरीदें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, अगर ड्राई है तो ड्राई कंट्रोल ड्राइनेस कंट्रोल मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कीजिए, या ज़्यादा ड्राई है तो हाइड्रेटेड जेल के टाइप के जो मॉइस्चराइजर अवेलेबल है वो इस्तेमाल कीजिए। सेंसिटिव स्किन के लिए भी यही बोलना चाहूँगी, तो अगर आप ये कुछ स्टेप्स मेंटेन करते हैं तो पोल्यूशन से आपके स्किन में होने वाली हानिकारक जो घटनाएं होती हैं उनसे खुद को आप जरूर बचा पाओगे। आज के लिए इतना था, उम्मीद है मेरे दिए गए टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करके पास में दिया बेल आइकॉन जरूर दबाना। बेल आइकॉन दबाओगे तो हम सबसे पहले आपके पास हाजिर हो जाएंगे लेके सारे ब्यूटी टिप्स और हेल्दी टिप्स। तो चल चलते इतना बोलना चाहूंगी कि ये हफ्ता आपको बहुत अच्छा जाए, और स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।